हेलो वर्ल्ड, स्वागत है आपका एक और स्पाइडरमैन के गेम प्ले वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ऐप बताने वाला हूँ जिसको यूज करके आप स्पाइडरमैन रीमास्टर्ड को मोबाइल पे खेल सकते हो यूजिंग ऐप कॉल्ड शिकी। सो ये ऐप क्या है, बेसिकली ये क्लाउड गेमिंग पे बेस्ड है। सो आपको कॉइन्स कलेक्ट करना है और उन कॉइन्स से आप गेम खेल सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर खोलना है और वहाँ पे आपको चिकी सर्च करना है। चिकी या शिकी कुछ भी प्रोनाउंस करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये ऐप क्या है, ये पहले प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं था, ये आपको गूगल पे जाके डाउनलोड करना पड़ता था। सो अगर आपको ये ऐप प्ले स्टोर में मिल नहीं रहा है तो आपको क्या करता हूँ, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ देता हूँ, वो लिंक दबा के आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो इस ऐप को। बट ओवरऑल सेम चीज़ है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करो या फिर गूगल से डाउनलोड करो। सो यहाँ पे अगर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो, ये थोड़ी देर में डाउनलोड हो जाएगा और इसको आपको ओपन करना है। ओपन करते ही आपसे कुछ परमिशंस मांगेगा, आपको ऑफकोर्स परमिशंस देनी पड़ेंगी क्योंकि अगर आप दोगे नहीं तो ऐप चलेगा नहीं। परमिशंस देने के बाद वो आपको तीन ऑप्शंस देता है, लॉगिन विद फेसबुक, लॉगिन विद गूगल और अकाउंट लॉगिन। आपको क्या करना है, लॉगिन विद गूगल कर लेना। अच्छा, गूगल क्यों, वो इजी है, गूगल कर लो या फिर फेसबुक करना तो फेसबुक भी कर सकते हो। मैं भी यहाँ पे गूगल से लॉगिन कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको कंफर्म पे क्लिक करना अगर पूछता है तो, और आपका गेम सीधा चालू हो जाएगा, आपका ऐप जो है वो खुल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ऐप खुलते ही आपको नीचे मी वाला सेक्शन में जाना है, वहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे कुछ कॉइन्स है। अच्छा, ये यहाँ पे 58 कॉइन्स दिखा रहा है मेरे को, लेकिन आपको 0 कॉइन्स दिखाएगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी कॉइन्स अर्न कर रखे हैं, क्योंकि मैं पहले से गेम खेल रहा हूँ, पहले से ऐप इस ऐप को यूज़ कर रहा हूँ। सो आपको कॉइन्स कलेक्ट करने होते हैं ऐप में और उन कॉइन्स को कलेक्ट करके आप आगे जाके गेम खेल सकते हो। यहाँ पे अगर आप नीचे देखोगे, यहाँ पे टास्क वाला सेक्शन है, सो उस पर आपको क्लिक करना है और आपको वहाँ पे बहुत सारे टास्क दिखेंगे। सो ये टास्क आपको वन बाय वन कंप्लीट करना है। देखो, सबसे अच्छा टास्क है एड्स देखना। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड देखनी पड़ेगी। डेली आप 5-6-7 एड्स देख सकते हो और हर एक ऐड आपको 5-10 कॉइन्स दे देगी। सो ऐसा आप दिन में 30-40 कॉइन्स आराम से कमा सकते हो। कॉइन्स कमाने के बाद आपको क्या करना है, आपको गेम खेलना है। पहले मैं आपको थोड़े से टास्क दिखा देता हूँ कि क्या टास्क होते हैं जो आप कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे बहुत ही सिंपल टास्क होते हैं गाइस, 5-10 मिनट से ज़्यादा नहीं लेने वाले एक दिन में। सो बस आपको इजीली टास्क करने हैं, हर रोज़ करने हैं ये, क्योंकि कॉइन्स जल्दी से एग्जॉस्ट हो जाते हैं और नए नए टास्क रिफ्रेश होते रहते हैं आफ्टर एवरी 24 आवर्स। सो यहाँ पे आपको हर रोज़ आना है, कॉइन्स कलेक्ट करना है और आगे जाके गेम खेलना है। यहाँ पे वीकली, डेली और नो वॉइस, ऐसे तीन टाइप्स के टास्क है। सबसे ईजी वाला है ऐड देखना। सो यहाँ पे आपको 5-10 जहाँ पे लिखा है उधर क्लिक करना है और एक ऐड जल्दी से ओपन हो जाएगा। अच्छा, इस ऐड को आपको पूरा देखना है, क्यों, क्योंकि ये ऐड देखने से आपको कॉइन्स मिलने वाला है और कॉइन्स को यूज़ करके आप गेम खेल सकते हो। इस ऐड को आपको पूरा देखना है और अब यहाँ पे देखो 5-10 कॉइन्स मिल गए मेरे को। सो सही है, अभी 64 दिखा रहा है, यानी कि 6 कॉइन्स मिल गए मुझे एक ऐड देखने से। अच्छा, इस ऐप ने इस बार एक बहुत बढ़िया फीचर इंट्रोड्यूस किया है जो कि है एक्टिविटीज़। सो एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो और वहाँ से भी आप कॉइन्स अर्न कर सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत मिनी गेम्स दिखेंगे, एक छोटे छोटे टास्क दिखेंगे, जैसे कि आपको ऐड देखना है और आपको कुछ चीज़ मिलेगी, उससे आपको कंप्लीट करना है पैटर्न और कुछ, तो ऐसा गेम है, आप डिस्कवर कर लो खुद। वहाँ पे आपको कुछ टास्क कंप्लीट करने और ऐप आपको कॉइन्स दे देगा। तो यहाँ से भी आप कॉइन्स कलेक्ट कर सकते हो बहुत आराम से। यहाँ पे अभी मेरे पास ऑलरेडी कॉइन्स है तो मैं कर नहीं रहा, लेकिन आप कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे अगर आप बैक जाते हो और यहाँ पे आपको एक लकी ड्रॉ भी मिलता है, यहाँ पे आपको क्या करना है, 30 कॉइन्स देने हैं और आपको एक लकी ड्रॉ घुमाना है। अच्छा, घुमाने से आपको बहुत सारी चीज़ें मिल सकती है, जैसे कि 500 कॉइन्स। अच्छा, 500 कॉइन्स अगर मेरे को मिल गए तो भाई मैं इस टॉपिक पे 10 वीडियोस बना दूँ। चलो घुमा के देखते हैं क्या मिलता है। देखते हैं, अभी मेरे को लगे 30 कॉइन्स और उससे देखता हूँ मैं अभी मेरे को मिलता क्या है। ओ भाई, 30 कॉइन्स मिल गए वापस से, मतलब 30 कॉइन्स दिए और 30 कॉइन्स मिल गए। चलो वापस से घुमा के देखता हूँ अभी क्या लगता है। 500 कॉइन्स लगने चाहिए भाई कुछ भी करके, देखते क्या लगता है अभी। अरे यार, ये स्टार वाली चीज़ लग गई, अभी ये क्या है मेरे को पता नहीं, लेकिन ठीक है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये मत करो, क्योंकि यहाँ पे आपके 30 कॉइन्स भी चले जाएंगे और कोई बेकार सी चीज़ लग गई तो आपके वही कोई काम भी नहीं आने वाली और आपके कॉइन्स भी वेस्ट हो जाएंगे। सो कोई मतलब नहीं है वो करके। सो अच्छा, अभी मैं आपको बताता हूँ कि स्पाइडरमैन कैसे खेले। यहाँ पे आपको क्या करना है, सर्च करना है सर्च बार में मार्वल स्पाइडरमैन रीमास्टर्ड, या फिर वो ऑलरेडी रिकमेंडेशन में आ जाएगा। यहाँ पे सर्च करने के बाद आपको प्ले का ऑप्शन दिखेगा, आपको क्या करना है, प्ले पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि 5 कॉइन्स पर मिनट, यानी कि आपको एक मिनट गेम खेलने के लिए 5 कॉइन्स लगने वाले हैं। सो ये रेट बेसिकली स्पाइडरमैन के लिए, मोस्टली बाकी गेम्स के लिए तीन या चार कॉइन्स लगते हैं, मोस्टली 3 कॉइन्स लगते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 5 कॉइन्स लगने वाले हैं। सो यहाँ पे आपको प्ले पे क्लिक करना है, जैसे ही आप क्लिक करोगे एक ऐड प्ले हो जाएगा। इस ऐड को स्किप मारो बिंदास, क्योंकि ये आपको कॉइन्स नहीं देने वाली। यहाँ पे स्किप करके आपको सीधा क्यू में डाल दिया जाएगा और यहाँ पे अच्छी बात ये है कि सिर्फ 2 लोग हैं, क्योंकि मैं गेम अभी रात को खेल रहा हूँ, रात को जनरली बहुत छोटा क्यू होता है और ज़्यादा लोग नहीं होते। सो इसलिए मेरे को जल्दी से ये मैसेज आ रहा है कि लाइन अप सक्सेस एंटर द गेम। यहाँ पे आपको सिर्फ 30 सेकंड्स मिलते हैं एंटर करने के लिए, जल्दी से आपको क्लिक करना है एंटर पे और आपका गेम चालू हो जाएगा ऐड चालू होने के बाद। यहाँ पे अगर आप दोपहर को या फिर सुबह खेलोगे बहुत लंबा क्यू देख सकता है आपको। सो उस क्यू में आपको रुक के रहना है और
अच्छे से उस पर वॉच रखना है। अच्छा, गेम तो खुल चुका है, अभी इसको कंट्रोल कैसे करें? सो नेविगेशन के लिए आपको एरो कीज दिए गए लेफ्ट एंड राइट अप एंड डाउन, उससे आप कंट्रोल कर सकते हो। और राइट में आपको कुछ कंट्रोल्स दिखेंगे जस्ट लाइक अ कंट्रोलर, सो आपको ए दबाना है एंटर करने के लिए। सो बेसिकली यहाँ पे फ्रेंडली या फिर कुछ तो लगा लो और एंटर कर लो, गेम आपका जल्दी से चालू हो जाएगा। अच्छा, स्पाइडरमैन का प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे बहुत बड़ा इंट्रो सीन है, सो इस सीन में आपके बहुत सारे कॉइन्स स्टार्टिंग में ही उड़ जाएंगे, बट कोई नहीं, उसको स्किप भी नहीं कर सकते आप, पूरा का पूरा सीन देख लो, ज़्यादा कॉइन्स कमा के आओ, उससे आपको क्या होगा, आपको अच्छे से ज़्यादा टाइम खेलने मिलेगा गेम को। मैं आपको अभी जल्दी से फटाफट बता देता हूँ आगे करके कि कैसे अपन कंट्रोल कर सकते हैं स्पाइडरमैन को, लेकिन उससे पहले मैं देख रहा हूँ कि अपना रेशियो थोड़ा बिगड़ा हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, सेटिंग्स में जाता हूँ और वहाँ पे थोड़ा अपना जो रेशियो है, जो डिस्प्ले है, वो चेंज कर देता हूँ। तो डिस्प्ले एंड ग्राफिक्स में आके यहाँ पे विंडो लगा के रखा है, उसको फुल स्क्रीन मारता हूँ, वही रेजोल्यूशन रख रहा हूँ 720p, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप फिर से रिज्यूम कर लो और आप भी अपना एस्पेक्ट रेशियो परफेक्ट हो चुका है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि स्पाइडरमैन को कंट्रोल कैसे कर सकते हो आप। सो यहाँ पे अगर आप आरटी दबाते हो, आरटी दबाने से क्या होता है, आपका वो स्पाइडर वेब छूट सकता है और आप आराम से लटक सकते हो हवा में। बहुत बढ़िया गेम है गाइस ये एक्चुअली। और अगर आपको कंट्रोल करना है तो जॉयस्टिक दी गई है, उस जॉयस्टिक से आप आगे पीछे कंट्रोल कर सकते हो। सो बस बेसिक कंट्रोल्स ही है, आप लॉग इन करके आप गेम खेल के खुद से ही पता कर सकते हो। तो अगर आपके फ़ोन में भी स्पाइडरमैन चल जाए तो नीचे कमेंट करके आपका एक्सपीरियंस छोड़ के जाओ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है ये पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन गाइस इट्स 2023 और आप फ़ोन में सारे पीसी गेम्स खेल सकते हो। मैंने बाकी गेम्स के ऊपर भी वीडियो बनाया, जैसे कि GTA 5, GTA 4, उनको भी आप डाउनलोड करो, उनको भी आप अच्छे की ऐप पर खेल के देखो और मज़े करो गाइस। वीडियो अच्छा लगे तो नीचे दिए गए लाइक बटन को टैप करके जाओ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो विद द नोटिफिकेशन टर्न ऑन फॉर मोस्ट वीडियोज फ्रॉम दिस साइड। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो, कैच यू इन द नेक्स्ट वन।